दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी, जो कि आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है, जो कि आज फिर लाइब्रेरी जा रहा हूँ। सो गाइस, उस दिन बढ़िया से कुछ व्यू नहीं दिखा पाया, मेरा माइक ही बंद हो गया था, पता नहीं चला, लेकिन आज 100% व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। पुल पे एंटर कर चुके हैं, जो कि आज पुल के बीच में से जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई ट्रेन नहीं आएगी। हम पहले ही सिग्नल देख लिए कि रेड है, अगर ग्रीन रहता तो बीच में नहीं आते, तो साइड में जाते, लेकिन साइड में बहुत बहुत भीड़ रहता है, इसलिए नहीं जाते साइड से, बीच देखने जाते। और इधर का नज़ारे देखिए, मतलब कितना सारा पानी है, बहुत बढ़ गया है, इधर बारिश भी हुआ था और आज मौसम भी बढ़िया है, जो कि गर्म भी नहीं लग रहा है उतना। ऐसा मौसम में बहुत बढ़िया लगता है बाजार आने में या ब्लॉग भी बनाने में, और रौदा रहता है तो फिर डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि मतलब कितना गहरा है नीचे, दिखाई कितना गहरा है, जो कि इस पर से बहुत आदमी गिर भी चुका है, लेकिन हम सावधानी से चल रहे हैं। आप सब ये गलती मत करिएगा। और बहुत सारा पानी भी है, पानी कम रहता तो और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जो गिरेगा सीधा पत्थर से ही टकरा गया। अभी तो पानी है तो बचने का भी संभावना है थोड़ा मोरा। और इधर का व्यू कितना बढ़िया है, जो कि इसमें हमेशा पानी नहीं रहती है, बरसात के मौसम में ही सिर्फ पानी रहता है। अब पुल पार करने वाले हैं, देखिए इधर मार्केट है, जो कि पिछला ब्लॉग में दिखाए होंगे, शायद उतना बढ़िया से नहीं दिखा पाए थे। और नीचे से गाड़ी जाती है यहाँ, टोटो वगैरह सब, जो कि पुल काफी लंबा है दोस्तों, पार करने में पैर दर्द देने लगता है, और पार करते हैं, देखिए कितना लंबा है, जहाँ तक देखिएगा दूर दूर तक पुल है, पुल सिर्फ है। देखिए लखीसराय के सबसे बड़ा सब्जी मंडी, देखिए यहाँ पर हर एक सब्जी, यहाँ पर हर एक सब्जी मिल जाती है, और काफी भीड़ भी रहता है यहाँ पर। यहाँ पर कद्दू से लेकर करेला तक मिल जाएगा दोस्तों, जो कि सभी सब्जी यहाँ पर उपलब्ध रहता है, और यहाँ थोड़ा सस्ता भी मिलता है, इसलिए काफी ज्यादा भीड़ भी रहता है यहाँ पर, और हम भी सब्जी यहीं से खरीदते हैं अगर सब्जी लेना हो तो। देखेगा कैसे बेच रहा है, नेमू आर भी काफी ज्यादा आदमी अभी आ ही रहा है, क्योंकि जहाँ पर सस्ता मिलता है वहाँ सब खरीदना चाहता है कि हमें 2 रुपये सस्ता मिले। तो गाइस, मिलते हैं लाइब्रेरी में, इधर से आते हैं इस कॉलेज में, जो कि मेरा लाइब्रेरी इधर ही पड़ता है आदर्श नगर में, और आगे थोड़ा है, चलिए दिखाते हैं। जो कि इधर बहुत ही ज्यादा गर्म लगता है गाइस, क्योंकि अंदर पड़ जाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है इसके कारण हवा भी नहीं आ पाती है। और गाइस, ये रहा मेरा लाइब्रेरी, जैसे आइए दिखाते हैं कुछ। Hi.
सो गाइस अपना ब्लॉग यहीं तक रखते हैं।